मोहब्बत कर चुकी है काम अपना है ECL में शामिल नाम अपना, करप्शन जिस कदर की थी ज्यादा है उतना ही बुरा अंजाम अपना, हुकूमत कहीं नहीं जा रही और आ रहे वासी चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? जी जी। आप सुनाइए रुखमा, कोई कमी हुई दुखमा? हाँ जी। आवाज ही नहीं निकल रही, गला खराब है, बड़े बराबर की आवाज हो गई उन्होंने। वाकई में मेरी काफी मर्दाना आवाज है। दसो, आपकी आवाज बिल्कुल सही निकल रही है, आप क्यों घबरा रही हैं? नहीं, आपको मुख्तलिफ नहीं लग रही? नहीं, गला खराब है सर, दूसरा महंगाई की वजह से हालात भी खराब है। बस जिस तरह से ताड़ी आवाज होगी तो कह रहे हो आलू 30 रुपए किलो। गला इतना खराब, क्या ऊंचे आवाज लगाए थे, क्या किया गया था? थोड़ी सी बद परहेजी कर ली थी। बद परहेजी क्या? 3-4 कॉन्सर्ट इकट्ठे आ गए थे, क्या बद परहेजी? मुझे बेसिकली टॉन्सिल्स का भी मसला है ना बचपन से। अच्छा, तो इस वजह से। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि कोई सर्जरी शर्जरी इनकी करवा दूँ। कोल्ड ड्रिंक है वो नहीं छोड़नी, टॉन्सिल्स को ही रिमूव करवाना है। वाह वाह, टॉन्सिल्स का इलाज करवा लेना चाहिए, नहीं तो बंदा ऐसा हो जाता है। बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को, खास तौर पर बलोचिस्तान से तशरीफ लाए हुए हैं और मिनिस्टर है वहां पे कम्युनिकेशन और बिल्डिंग्स के, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अकीदा राय। वेलकम टू द शो जी, बिलाखिर अकीदा राय जी को हमारा शो खींच कर ले ही आए। ले ही आए जी। और एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लाया हूँ जी। अच्छा जी, भाई जान के लिए। इशारा इधर कर रहे, शेर मुझे भेज रहे जी। आज मजाक की रात में ठाकुर जलवा कर रहे हैं। वाह, खानदानी सरदार। अरे वाह, हाय हाय हाय। आज मजाक की रात में ठाकुर जलवा कर रहे हैं, खानदानी सरदार। विरसे में तो सरदारी है और वजारत सरकारी। इनकी बात जबान पर लाने की अब कीजिए तैयारी। तितर की मोर ने सारे, की तितर की मोर ने सारे, अंदर खाने चोर ने सारे। की तितर की मोर ने सारे, अंदर खाने चोर ने सारे, ढिड निकम्मे दे नां नू छड्ड के दसो कादे शोर ने सारे। उसकी याद में हर रोज मैं भड़का हूँ, भड़का दिल के साथ साथ खुद भी मैं धड़का, धड़का हूँ। सारी रात फेसबुक की बात करने की आदत डालकर कैसर आज कहती सॉरी भाई मैं लड़का हूँ। जी तो सरदार साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। इन्होंने जो कहा ना कि सारी रात वो फेसबुक पे करके जी कि मैं लड़का हूँ, मेरे साथ ये गुजर चुकी है। वो एक रात मेरे घर में, मैं लेट आवर्स में बैठा तो क्या कहते हैं ये चैटिंग शैटिंग शुरू हो गई। ठीक है, तो वो मुझे लड़की समझ रहा है, मैं उसको लड़की समझ रहा हूँ। बाद में पता लगा वो भी लड़का मैं भी लड़का। आपने भी रजिया के नाम की आईडी बनाई है। मगर सरदार साहब एक चीज तो पहले बड़ी जबरदस्त आपने ड्रेसिंग की हुई है, और ये जो आपने मफलर बीच में पहना है ये वो लगता है खास आज आपने निकाला है। ये भी आपके लाहौर का तोहफा है, स्टोर में मैं चला गया जानने वाले हैं ठीक, तो उसने कहा ये स्पेशल आपका, तो मैंने ले लिया। जब पेमेंट की तो मेरे पसीने निकले, 70,000 रुपए का था। जाहिर बात है उन्होंने कहा ये आपका ही हुआ। नहीं, पेमेंट तो मुझे करनी थी। हाँ, मगर वही मैं कह रहा हूं, पसीने निकल आए। बड़ा आला किस्म का तरीके से आपको ये मफलर जो था वो किया। मगर सर सबसे जो चीज मैंने पहले नोटिस की है, आप मिनिस्टर हैं इस वक्त कम्युनिकेशन और बिल्डिंग्स के, यानी कि दो मिनिस्ट्रियां हैं। पिछली बार आप आए थे तो 3 मिनिस्ट्रियां थी, फूड की मिनिस्ट्री भी आपके पास थी, तो ये आपसे खाने की मिनिस्ट्री वापस ले ली उन्होंने। ऐसा है कि
पहले पहले तो मुझे आईटी की मिनिस्ट्री दी गई ना जी बिल्कुल, तो मैं टाट का पढ़ा हुआ था, मुझे आईटी का पता ही नहीं था कि आईटी होती क्या है ना, तो वो मैंने छुड़वा दी। उसके बाद फिर खुराक और आबादी, फूड अथॉरिटी, तीन मिनिस्ट्रियां मुझे दे दी, वो चलती रही। अब रिसेंटली हमने गवर्नमेंट चेंज की वहां पे, बिल्कुल नया, हम एक यंग सा खूबसूरत सा सीएम ले आए। फिर खुराक हमने एक पुराने पार्लियामेंटेरियन था उसको दे दी, हमने कहा कि आप लोगों को खाना शाना खिलाओ, हम दूसरी तरफ जाते हैं, सड़क बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो ये मिनिस्ट्री फिर मेरे पास आ गई। ठीक, बिल्कुल। अकीदा जी आपका क्या हाल है? I'm good. How are you? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी पहले कभी सरदार साहब से मुलाकात तो नहीं हुई होगी? No. देखे है ना, एक बिल्कुल एक डैशिंग किस्म की पर्सनालिटी। क्या बात, ऐसे मिलते नहीं है वैसे अब आपको। नहीं, इनके मुकाबले में नहीं। नहीं सरदार साहब, आपका कहाँ, वो एक बिल्कुल और साइड पे, आप तो इस मॉडल के तो हमारे पास आ ही नहीं रहे अब मॉडल। इस टाइप के नहीं, नहीं इस टाइप के भी अब तो पॉलिटिशियंस भी हैं, वो यंग जो लड़के आते हैं या जो आते हैं वो लोग, ये वाला जो गेटअप और लुक है ये वाला नहीं अब आ रहा। अकीदा ये बताएं, आपने मॉडलिंग से अब एक्टिंग का भी कुछ काम शुरू कर दिया हुआ है? या तो कुछ शौक है अब हो गया, यानी कि एक्टिंग का? एक्चुअली एक्टिंग का ही शौक था, एक्टिंग का ही शौक था। तो फिर मॉडलिंग क्यों की? बिकॉज लाहौर में इतना ड्रामा इंडस्ट्री नहीं काम करी। अच्छा, तो इसके लिए मॉडलिंग आपने शुरू कर दी? वो तो बस शौक में शुरू कर दी। और शौक में शुरू कर दी, इतना आसानी से बंदा बन जाता है मॉडल? वैसे गट्स होने चाहिए, बन जाता है। गट्स होने चाहिए, हमारा तो ख्याल था कि फेस कट्स होने चाहिए। आपने कहा कि गट्स होने चाहिए, तो ये किस किस्म के गट्स होने चाहिए? लाइक ऑल इन वन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस और गट्स भी होने चाहिए। ठीक है, एंड पैशन होना चाहिए। बिल्कुल, और इंशाल्लाह जल्दी अदाकारा बन जाएंगी। अच्छा, ये आपको कैसे अंदाजा हुआ सरदार साहब? इतना खूबसूरत चेहरा मेरी लिफ्ट में, और फिर अभी हमने थोड़ी सी बातचीत की। अच्छा, तो टैलेंटेड मॉडल हैं, उनको पक्का हो चुका है कि आप जा रही हैं एक्ट्रेस बनने? फिर तो मैं जरूर बन जाऊंगी। फिर आप जरूर बन जाएंगी, ये देखे बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज जो मैं पहले मिस कर गया बीच में, पिछली बार जब आप शो में आए थे तो आपने कहा था कि तीन मिनिस्ट्रियां हैं और तीन ही शादियां हैं, अब इस वक्त दो मिनिस्ट्रियां हैं। दो नहीं है, जो CNW का है कंस्ट्रक्शन एंड उसका PP लगती है, उसमें तीन चार पोर्शन है। अच्छा, तो अभी चौथी की इंशाल्लाह जो है ना, फिर मैं एक एक तो आपके ये कोरोना ने ख्वार कर दिया ना। मेरे कोरोना ने तो अब मैं क्या कहूँ, मुझे कहा गया कि मास्क लगा, मैंने कहा मुझे कोरोना कबूल है, मैं अपनी मूंछें जो है ना खराब नहीं करना चाहता, मास्क मैंने नहीं लगाया, ये पड़ा हुआ है। ओए, 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 अच्छा जी, तो इंशाल्लाह बार बार लाहौर आ रहे हैं, लाहौर खूबसूरत लोगों का शहर है जी, तो हमारी चौथी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, चौथी मिनिस्ट्री की ख्वाहिश? जी नहीं, बीवी की ख्वाहिश। कैसा महसूस कर रही हैं अब? बहुत बुरा। मगर ये देखे एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग एंगल है, ये अपने ही एक थॉट प्रोसेस पे है सरदार साहब, उन्होंने कहा तीन मिनिस्ट्री और तीन शादियां, अब वो चौथी मिनिस्ट्री भी ढूंढ रहे हैं और चौथी शादी भी ढूंढ रहे हैं। मिनिस्ट्री वापस ले लो, शादी करा दे। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ये कोई आपकी तीन बीवियों में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वो पोजेसिवनेस होती है, वो चीजें नहीं? ज्यादा लड़ाई एक दूसरे के साथ बातचीत बंद कर देती, बाकी उनकी वो मैंने पिछले शो में आपको सुना। जी जी बिल्कुल, आपने बताया पिछले शो में, मैं किस्सा सुना चुका हूं। अच्छा, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, पॉपुलेशन का मिनिस्टर था तो 15 बच्चे हैं मेरे। भाई बच्चे हो गए, तुम अपना PSL शुरू कर सकते हो। रस्ते निशानी पे यकीनी है, बिजली गैस पानी पे यकीनी, के समझौता अगर मेरिट पे होगा तो होगी बेईमानी पे यकीनी, खुलेगी आंख जो गुर्बत कदों में तो बचपन नौजवानी पे यकीनी। हाय हाय आ ये बताएं, कोई वोट वगैरह कास्ट करती है? इलेक्शन ही नहीं होंगे जिथे रहते, चांद पे रहती है वो। गवर्नमेंट की वजह से फेड अप हो चुकी हूं, दैट्स व्हाई। गवर्नमेंट की वजह से फेड अप हो चुकी हुई है, बस कंपलसरी नहीं लगता कि, बस ऐसा फील आता है कि जो होना है वो होना है और कुछ जो होना है वो होना है और सब एक जैसे हैं, इस तरह की फीलिंग्स आती है। तो फिर ऐसा ही रहेगा, कुछ चेंज वेंज तो नहीं आएगा? आई डोंट थिंक सो। ओए है, तो फिर क्या करेंगे इसका अब हम, अगर ये चेंज नहीं होगा तो अब हम क्या करेंगे? अदरवाइज से भाई इलेक्शन पे खड़े हो फिर वोट डालेंगे।
हाँ फिर डाल बस यही एक वोटर और तुसी भी भाई यही एक वोटर आपके एक वोट के चक्कर में मेरा बहुत खर्चा हो जाना है पूरे पाकिस्तान अपने अच्छे सियासतदान कहते यही एक वोटर है यकीन है कि मैंने घर वाले ने भी नहीं पाना पता है ना अपना कितने को वोट पड़ेंगे मगर बात वो है कि आपके एक वोट के पीछे काफी खर्चा हो जाता होगा सरदार साहब इलेक्शन के ऊपर तो है ना अगर सच्ची बात कहनी है ना तो आपका खर्चा होता है उसकी वजह यह है कि आप कम से कम एक महीना कन्विंसिंग करते हैं अब मेरा हलका है मैं उसमें घूमता हूँ मेरे साथ सिक्योरिटी की गाड़ियाँ भी होती हैं मेरे मोतबरीन भी होते हैं दूसरा तो अगर एवरेज आप 10-15-20 गाड़ियों का डेली पेट्रोल भी ले लेना एक महीने तक तो वो 10 लाख से ऊपर एक्सीड कर जाता है फिर आपने पोस्टर छपवाने हैं दूसरा है सिलसिला है अब जाते हैं आप किसी गाँव में बच्चे खड़े हैं छोटे बच्चे जमा हो जाते हैं आप अगर 100-100 रुपए भी देते हैं 5,000-10,000 आपका ऐसे चला जाता है तो ये पॉसिबल ही नहीं है एक आप पेनाफेक्स बनाए कितने का बनता है बिल्कुल सही कह रहे हैं इतना ये तो आम खर्चे हैं आप कोई 10 बंदों को खाना ही खिलाने बैठ जाएं तो उसमें ही आपका अब मेरे साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ उसकी रोजी उसकी मखलूक खाने वाली मुझे एक गुलाम बनाया नौकर के तौर पर मैं मेहमान नवाजी करता हूँ मेरे हर जगह पे मेरे गाँव में क्वेटा में अब मैं इधर आया हूँ भी मेरे साथ 60-70 आदमी हैं साथ मोतबरीन हैं गार्ड हैं ड्राइवर हैं नौकर हैं ये आप एवरेज लगाएं जी आपका 15,000-20,000 रुपए तो किचन का बगैर किसी फॉर्मेलिटी में जाएं कि सजी आ रही है फलाना आ रहा है ढमकाना तो फिर तो कहां से कहां पहुंच जाते हैं आप 15,000-20,000 रुपए तो हम दिन में एक सब्जी हो रात को दो खाने हो आम भी इतना जो है ना 20-25,000 तो आप 25,000-20,000 भी एवरेज लगा 6 लाख रुपए हमारी जमींदारियाँ हैं अल्लाह ने मेरा एक फार्म हाउस है जो 6,500 एकड़ पर है माशाल्लाह अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बेटा भी मेरा इधर बैठा हुआ है उसने उसमें ट्यूबवेल लगाया है हमारी अच्छी वहाँ से फसल आती है हमारी सफेद पोशी चलती है और अभी भी सर 60-70 बंदे तो आपके साथ आए हैं माशाल्लाह जी 60 उनको बोल दें हमने आपको कुछ जुगत नहीं की देखिए आप जुगत करें मजा आएगा देखें इतनी पगड़ियों वाले बैठे किसी को छेड़े किसी की मूछें ऐसे हैं किसी की मूछें ऐसे छेड़खानी करें ना इसका मतलब है कि आप डरे हुए मुझसे आप मोहब्बत है जिन्ना वड्डा फार्म हाउस दस 3-4 कॉमेडी ने रखोगे फिर भी खाली जगह रह बात है 60-70 बंदा आपके साथ है आप तो इशारे में भी खड़े सबसे अगली वाली गाड़ी में होंगे आखिरी वाली गाड़ी तक क्या हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा बिल्कुल ऐसे है तो सर फिर तो बेचारे सही डरे हुए ना नहीं नहीं हमारे तो बड़े भाई पिछली मर्तबा भी आए हैं पिछली दफा भी आप लोगों ने मेरे ऊपर कुछ जुगत नहीं किया अभी भी नहीं करा करें सरदार साहब हम अपने ना हम सारे अपने अपने अमेरिका के 10 साल के वीजों का इंतजार कर रहे हैं हम एक बार वीजा लग के यहाँ से चले जाए हम आपको वीडियो में रिकॉर्ड करके झुकते भेज देंगे लाहौर 60-70 बंदे ले गए हैं अमरीका तो उधर नहीं भेजेंगे नहीं चलो आप थोड़ी सेफ्टी तो होगी ना कोई वैसे आप कभी देखा है आपने 60-70 बंदे मतलब बोर हो ही नहीं सकते सरदार साहब इतनी कंपनी हर वक्त साथ कॉन्स्टेंटली मौजूद है अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि कभी अगर इंसान बीमार पड़ा है कमरे में अपने नहीं निकल सकता है ना हाँ। पिछले साल मुझे कोरोना हो गया था स्वयर किस्म का एक दिन तो बाथरूम में गिर के बेहोश भी हो गया शुक्र अल्लाह ने जिंदगी दे दी मैं आपको ये एक जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मुझे अगर अकेला खाना खाना पड़े ना दिन को तो मैं खाना खाता नहीं रात का खाना खाता मैं आज तक अकेला खाना नहीं खाया जितने तक कुछ लोग ना हो ना मुझे बिल्कुल अगर जितनी भी भूख लगी हो मुझे खाना पड़े जैसे मैं जबरदस्ती उठाऊं सो बल्कि इन दे नाल कोई ना तो दुश्मनों नु छुपा लेंदे कि रोटी खा के फिर छड़ आवांगे आई एम गुड हाउ आर यू यू नो आई एम रियली वेरी डिसहार्ट व्हाई बिकॉज ऑफ माय किस्मत ही खराब है अच्छा यू नो मैं एक नया तरीका इजाद किया सी प्रॉफिट कमांड वो क्या मैं के समरियां दे उत्ते नजर रखो किस पे ओ इमरान खान साहब को समरियां नहीं पेश हुंदियां भाई पेट्रोल इतना बढ़ा जो बिजली इतनी बढ़ा जो भाई पेट्रोल महंगा होगा बिजली महंगी होगी तो सारी चीजें महंगी होंगी मैंने कहा ये चीजें जो महंगी हो रही हैं मैं कुछ चीजें खरीद के पहले से ही साइड पे लगा लूं जब पेट्रोल महंगा होगा तो ये भी महंगी होंगी मैं ये बेचूंगा अच्छा ये तुम्हें क्या आइडिया है वैसे यस मैंने मूंगफली की 2.5 मन की बोरी ले ली मूंगफली की यस ठीक है वो मैं साइड से ला ली अनफॉर्चुनेटली पेट्रोल सस्ता हो गया और मेरी बोरी भी सस्ती हो गई और मैं मूंगफली की बोरी लेके गया उन्हें क्या भाई ये तो सीजन भी खत्म हो गया है
और ये मूंगछली जो है वो सस्ती हो गई है। ओ मेनू 9000 रुपए दा उच्चे पैरां दे उच्चे लॉस हो गया। पता चला उच्चों किराए जिहड़े ने ओ मेरी मालिक मकान जनी ने महंगा कर दित्ता। हाय हाय हाय। ते सवेरे सवेरे आ के नाल मेरे सीने दे उच्चे पैर रख के कहंदी किराया देना है कि तू मैं यही दबा जूं। ਮਾਲਕ ਮਕਾਨੀ ਨੇ ਨਾਖੁਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਚੋਰੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਤੁਮ ਆ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੋ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਇਹ ਜੋ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਦੋ ਦੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਾਸ। ਜਿਸ ਗਾਇ ਯੈਸ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਅਰੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਆਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਯੈਸ ਜਿਸ ਗਾਇ ਯੈਸ ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ ਗਾਇ, ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਗਾਇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਿਆ। 9000 ਲਾਸ ਸਰ ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਫਾਈਨਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਰਾ ਨਾ ਰਹਿ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਆਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਨਮੈਨ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਨਾਨ ਜਿੱਦੇ ਨੇ। Thank you anyway. This is good. You see that? उन्होंने कितनी हेल्प की थी। तुसी कह रहे हो बहुत सख्त ने, होते बड़े नरम आदमी। जितना आपको मूंगफली में नुकसान हुआ था उससे बढ़ के आपको वापस कर दिया हमने। लव यू सर। सरदार साहब जब तुसी पैसे देते ना, ये तो कोई होंगे या साडा कोई तलक नहीं। मान लिया, ये भी कबूल। वाले मैं तो उन उधरों जाना नहीं जिधरों मैं आया। बेवफाई की, मुझे कहा कि मैं आऊंगा। मौतों लोग ऐसी हैं, उन बाल हो या दोबारा। क्यों? वो बसंत वासे ना मतलब छत कराए थे देती सी इन्हें। निर्वाण, निर्वाण, ਨਿਰਗੋਲੀ ਤੁਮ ਜਾਓਗੇ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਆਈ ਨੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਪ ਛੱਪ ਅੱਛੀ ਰੱਖਣੀ ਜੇ ਆਣਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਬਈ ਪੋਲੀਓ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਮੇਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਾਇਆ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਲਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ। ਅੱਛਾ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਕੋ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਹੀ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਹੈ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਲਨ ਆਇਆ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਰੇ ਐਨਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਲਵ ਹੈ ਕਿਨੇ? ਯੈਸ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂ ਜਾਤੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਜਾਤੇ ਹੈ? ਉਹ
बेस्ट फ्रेंड भाई सरदार साहब नु मिलन तेज खैर ना लाए ने बुलाया भाई सरदार साहब ओ लो दसो ओए होए मैं ते फैन है गा बड़ा अच्छा ऐसे पाकिस्तान दी टॉप मॉडलों दे विच जेड़ा एक ना है की है भला की है यार मेनू की पता पर मैडम ने ना है कीता जी दा यस पैर सीधा रखना पैंदा कैटवॉक बड़ी औखी है असि तो खाली रैट वॉक कर सकते सरदार साहब नाल एक तस्वीर हो जाए सरदार साहब से पूछना पड़ेगा क्योंकि मैं जिसले इंस्टाग्राम ते पानी है ना लेकिन बेवफाई की मुझे कहा कि मैं आऊंगा मौतों लोग ऐसी है बहाल होया दोबारा क्यों वो बसंत वासे ना मतलब छत किराए से देती सी इन्हें लेकिन ऐ तस्वीर मैं ड्राइंग रूम दे विच लानी है मैडम कहने ये बन पिक्चर की साहब नु मैं छड़ गया ना एयरपोर्ट ते अच्छा बार 6 डाले खलोते ने ओके उन च 5 दो के ते मैं पैसे इकट्ठे करके ते अपने डाले च पेट्रोल पवाना आप कब शादी कर रही हैं क्या राय है आपकी बस बहुत जल्दी अब प्रोग्राम होकर तो फौरन बात वैसे कोई आइडियल अपना कोई बताएं जिंदगी में होता ही है ना आप नहीं है बाकी कोई भी हो सकता है लेकिन फिर भी आइडियल तो कोई बताएं ऐसे आइडियल कोई भी नहीं है जैसे कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं किस तरह का चाहिए किस करियर में हो इस तरह की चीजें पूछ रहे हैं इट विल बी गुड अगर शोबीज में ही हो तो और बहुत हैंडसम क्यूट होना चाहिए अच्छा हैंडसम क्यूट जब आपने कहा मेरी तरह देख रही है मेरे अभी एग्जाम चल रहे हैं मैंने सेम लेकिन फिर भी नहीं मैं बस अपनी थॉट्स बता रही हूं अच्छा अच्छा लेकिन वैसे बता रही हैं कि हैंडसम और क्यूट होना चाहिए ठीक है जी तुसी ते दोनों पासों निकल गए जी भाई लाइट रखना चाहिए आप जितना नेचुरल लगोगे उतना अच्छा लगोगे और जितना आपने हैवी मेकअप किया होगा उतनी आपकी लुक भी बढ़िया आती है और ज्वेलरी आई थिंक वो भी लाइट ही यूज करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ लाइट यूज करना चाहिए हर चीज आपको लाइट चाहिए तड़ नाम फिर लोड शेडिंग होना चाहिए वेलकम बैक टू मुज़ाकरात हमारा सेगमेंट है सरदार साहब सवालों जवाब का हम ऑडियंस को मौका देते हैं कि वो अगर कोई सवाल पूछना चाहें आप लोगों से तो प्लीज कौन सबसे पहले आपसे जी अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम इनाम है और मेरे पिते जी पथरी उनको माइंड क्या करें प्लीज आप कंटिन्यू करें जी प्लीज सवाल मिनिस्टर साहब से है जी हम रोज बरोज वाकयात सुनते हैं जैसे आपका ताल्लुक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन से है आग के वाकयात हम सुन रहे हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं फायर का जो सिस्टम होता है जो आग लग जाती है बिल्डिंग्स के अंदर उसके ऊपर काफी लोग उसमें मर जाते हैं उनके पास कोई जगह नहीं होती भागने की या निकलने की लाइक फायर एग्जिट्स क्या कोई लाया अमल हम इस पर बना रहे हैं कि जो कि अप टू द मार्क हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो बहुत अच्छा आपने सवाल किया गुजारिश यह है कि ये चीजें बुनियादी तौर पर जहाँ पे भी बिल्डिंग बनती है उसमें फायर फाइटिंग के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो लाजमी होते हैं और उसके एग्जिट जितने भी होते हैं वो बाज़ाब्ता मेंशन किए जाते हैं और उसमें लाजमी होते हैं लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती के करप्शन की नज़र वो चीज़ें हो जाती हैं नक्शा जब पास होता है बिल्डिंग कंट्रोल में जाता है ये चीज़ें बुनियादी चीज़ें होती हैं करप्शन इतनी है कि जो इंजीनियर बैठा हुआ है नक्शा पास करता है वो जो एरिया एक बिल्डर ने पार्किंग के लिए मुख्तस करना है वो उसको कमर्शियल कर देता है उसमें दुकानें बना देता है 30,000-40,000 पर स्क्वायर फुट तो ये चीज़ें इंशाल्लाह इस पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्योंकि इतने वाकयात हो चुके हैं तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और हम इस पे बलूचिस्तान लेवल पे तो इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं ही नहीं माँ सिवाय क्वेटा के उधर भी प्लाजे बने हैं लेकिन वो भी पुराने दौर में इन चीज़ों की नज़र हो गए तो अब हम लोकल गवर्नमेंट और हमारा डिपार्टमेंट मिल के इन चीज़ों की सख्ती से हम कर रहे हैं कि बुनियादी चीज़ें जो हैं वो लाजमी है उसमें हो तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट आपका सवाल अच्छा है माशाल्लाह तो घर सामान मंगाते रहते जी जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम रदासिफ है और मैं मैट्रिक में 6 मरतबा फेल हुई हूँ तो ये फैशन से रिलेट है
कि हम बहुत हैवी ज्वेलरी ड्रेस और मेकअप कर लेते हैं, बाजू का तो हमारी लुक बहुत नाइस लगती है, मगर कभी हमने हैवी ड्रेस ज्वेलरी और मेकअप मैचिंग किया होता है तो हमारी कभी लुक एकदम से बहुत ओवर लगती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें हैवी ज्वेलरी मेकअप या ड्रेस में से कौन सी चीज़ को लाइट करना चाहिए? आई थिंक मेकअप हमेशा लाइट रखना चाहिए, आप जितना नेचुरल लगोगे उतना अच्छा लगोगे और जितना आपने हैवी मेकअप किया होगा उतनी आपकी लुक भी बढ़िया आती है। और ज्वेलरी आपकी मूड पे डिपेंड करता है, जब आप ज्वेलरी हैवी करना चाह रहे हो या जब लाइट करना चाह रहे हो, आई थिंक वो भी लाइट ही यूज़ करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ लाइट यूज़ करना चाहिए, हर चीज़ आपको लाइट चाहिए, तो नाम फिर लोड शेडिंग होना चाहिए। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन किधर आए से है कि मॉडलिंग के फील्ड में वो कौन से स्टेप हैं जिनसे सक्सेस मिलता है? जी वो कौन से स्टेप हैं जिनसे सक्सेस मिलता है? सक्सेस मिलता है डाउन टू द अर्थ होने से। डाउन टू अर्थ होने से सक्सेस मिलता है? डाउन टू अर्थ जो होता है अल्लाह भी उस पर मेहरबान होता है, तो इंसान है क्या चीज। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात की है। जी सरदार साहब, सवालों का सिलसिला आपसे छोटा सा करेंगे, 2020 सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उसी ऑप्शन में से जवाब चूज करना है आपने, जैसा आपने पहले किया था। तो सरदार साहब स्टार्ट करते हैं। सर ये बताएं, फिर स्पेस रॉकेट पे जा रहे हैं चांद के ऊपर, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको ले जाएंगे उसको वहीं छोड़ेंगे, किसको चांद पर छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद अली शाह या फिर फवाद चौधरी। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी, ठीक है। सर ये बताएं फिर, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं आप, तीन लोग पहले से मौजूद हैं, एक के साथ तस्वीर खिंचवाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देख लेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है ख्वाजा आसिफ, जनाब आसिफ जरदारी और जनाब परवेज खटक। तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे पहले ये बताएं? तस्वीर तो मैं ख्वाजा आसिफ के साथ खिंचवाऊंगा, ठीक अच्छा, है अच्छा आदमी है, ठीक है। परवेज खटक मेरा जाती दोस्त है, मुस्कुरा के देख लेंगे, मुस्कुरा के देख लेंगे। और फ्लोर आ गया हुआ है, जरदारी वैसे ही रिटायर हो गया सियासत से। चले फिर फ्लोर आ गया है, ठीक है फिर फ्लोर आ चुका हुआ है। सरदार साहब टाइटैनिक पर जा रहे हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक के ऊपर? ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं फरदौस आशिक अवान और मोहतरमा शीरी मजारी। मजबूरन शीरी मजारी को ले जाऊंगा। सरदार साहब ये बताएं फिर, इनमें से किसकी तस्वीर आप अपने घर में लगा के रोज देखना चाहेंगे? ऑप्शन आपके पास जो है वो है चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान या फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब। चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान, हमने खुद उसको वजीर आला बनाया, अमीर अब्दुल कदुस बिजंजो को, और मेरा जाती दोस्त भी है, और मेरा बुज़दार साहब भी आपके दोस्त है। बुज़दार साहब मेरा हमसाया है, मेरे बे इंतहा रिस्पेक्ट करता है और मेरा जाती दोस्त भी है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर, मैं खुद उस कैबिनेट में हूँ, मेरी मेरी अपनी बनाई हुई हुकूमत है, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड। ठीक है, बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब का लगेगा, ठीक है। जी अकीदा आपकी बारी है, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो को। बिलावल भुट्टो, ठीक है। आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं फवाद खान, अली जफर और फहद मुस्तफा। फवाद खान के साथ सेल्फी, ठीक है। मुस्कुराए किसको देख रही हैं? अली जफर को, ठीक है। और फ्लोर आ गया है फहद मुस्तफा का, ठीक है। ये बता दीजिए कि आप भी जा रही हैं टाइटैनिक पर, दो वीआईपी पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक के ऊपर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब मुराद अली शाह। आमिर लियाकत को तो नहीं, मुराद अली शाह, ठीक है। मुराद अली शाह साहब आप जाएंगे, आमिर लियाकत साहब को उन्होंने कहा कि मैं नहीं लेके जाऊंगी। ये बताइए फिर, डूबती कश्ती में सवार, दो लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, हुमायूं सईद और सरदार साहब। सरदार साहब। ओए होए होए सरदार साहब। लेकिन मैं कहता हूँ पूरे बलूचिस्तान की तरफ से ये पैगाम है कि हम प्यार करने वाले लोग हैं, हमारे लिए पंजाब भी इतना ही काबिल एहतराम, पंजाबी भी इतना ही काबिल एहतराम है जितना बलूचिस्तानी है, जितना सिंधी है, जितना केपी का पठान है। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान साहब, थैंक यू सो मच, अकीदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों।